वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय विजय में। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फ्रेंड, आज का वीडियो बस काफ़ी हाउसफुल और यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे हेमर डेन मशीन जो होती है फ्रेंड, उसकी वर्किंग स्टेट जो है ये रुक गई है। तो आइए फ्रेंड, हम जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किन कारणों से हमारा जो हेमर ड्रेन मशीन का वर्किंग स्टेट रुक जाता है। तो आइए फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को फुल वॉच करना। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये हेमर ड्रेन मशीन आए हैं, तो फ्रेंड मैंने इसे पावर प्लग में लगा रखा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी फ्रेंड जो है कि ये वर्क नहीं कर रही है, यानी कि चल नहीं पा रही है। फिर हम इसको खोल कर देखने वाले कि किन कारणों से है जो कि फ्रेंड चल नहीं पा रही। फिर मैं आप एक बार और दिखा देता हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि जो कि ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे। कस्टमर का कहना है कि इसका जो कार्बन वगैरह जो ब्रश है फ्रेंड वो टूट चुका था, जिनकी वजह से जो सेटिंग जो है जम नहीं पाई है। फ्रेंड, तो फ्रेंड आज मैं आपकी इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि इस प्रकार से जो कार्बन ब्रश की सेटिंग है जो फ्रेंड एकदम परफेक्टली सही में दिखाई जाए। उसके पहले के फ्रेंड हमें दोनों तारों को पिन निकालना होगा, एक लेफ्ट और एक राइट में। फ्रेंड, जिसमें स्विच हमारा जो बंद चालू का है वहाँ से जो आता है, सबसे पहले फ्रेंड जो है कि हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद में फ्रेंड जो है कि हम इसको यहाँ से असेंबल भी खोल के और इसको जो अलग कर लेंगे पूरा जो यहाँ से जो इसके स्पेस स्क्रू इसमें दिए गए हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारे जो कि हमें पूरी इसकी सेटिंग वगैरह जो है वापस प्रॉपरली में जमानी रहती, क्योंकि काफ़ी हाई स्पीड में फ्रेंड जो है कि चलने वाली जो मशीन है। इससे पहले फ्रेंड ये स्विच जो है आपको इनको इसको भी अच्छी तरह से साफ़ वगैरह कर लेना है, इसकी कोई मेल मिट्टी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा जो है कि इसको थोड़ा सा तेज़ करके आपको घुमाना है। घुमाने के बाद इसको फ्रेंड जो है कि इसमें जो स्प्रिंग जो है लोग यहाँ पे दिए हुए रहते हैं फ्रेंड, जिस तरह से जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि फ्रेंड जो कि परफेक्टली जो वर्कर में है अभी। फ्रेंड, हमें जो है कि मेरे जो इसके कार्बन उसके पीछे स्प्रिंग दिया गया है उसको तोक के साइड में रखना होगा। इसी प्रकार से हमें दोनों जो स्प्रिंग की साइड से तोक के जो फ्रेंड अलग रख देंगे कार्बन ब्रश की जो वहाँ से है। फ्रेंड, उसके बाद में पेचकस के साइड के साथ हल्का सा हम इसे ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार से फ्रेंड जो है कि ऊपर आ जाएगा। फ्रेंड, इसमें ध्यान रखना जब हम इसे लगाएंगे जो दो स्प्रिंग हमें अंदर के साइड में दिख रहे हैं फ्रेंड, हमें दोनों स्प्रिंग को वापस इसी शेप में सेट करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि कस्टमर ने इसमें उसके दिमाग से कुछ जुगाड़ वगैरह भी करने की कोशिश की, लेकिन वो चला नहीं पाए। तो फ्रेंड इसमें जो है कि कार्बन बेस जो है कि पूरे और हमको लंबे वाले लगाने पड़ेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड हम इसमें मार्केट से न्यू कार्बन ला के जो फ्रेंड इसको हमें इसमें न्यू कार्बन असेंबल करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड जो है कि हमें यहाँ से भी इसकी जो पीने हैं इन मशीन को निकाल लेना है, खोल लेना है। और जो इसका स्प्रिंग वगैरह है इनकी जो सेटिंग फ्रेंड आप देख सकते हैं, जो हम मार्केट से न्यू कार्बन लाए हैं जो काफ़ी बड़े और लंबे हाइट के फ्रेंड, इसी तरह के इसमें जो है कि लगाए जाते हैं। फ्रेंड कार्बन को आप लगाने से पहले इसमें चेक कर लें कि फ्री है या नहीं। फ्रेंड अगर ये टाइट कार्बन रहेंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है। इसी प्रकार से फ्रेंड जो है कि हम इसमें दोनों साइड से जो कार्बन को इस तरह से जो है फ्रेंड बिठा देंगे। फ्रेंड हमारा जो न्यू कार्बन आता है वो फ्रेंड उसमें लॉक नहीं रहता है, तो हम इसमें बीच में से काट के फ्रेंड उस वायरिंग को लॉक के साथ इस तरह से जोड़ देंगे, ताकि फ्रेंड जो है कि हमारा स्पार्किंग और शॉर्ट वगैरह का जो डर है जो फ्रेंड ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से है जो फ्रेंड जो कि आपको इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद में जो लॉक को है फ्रेंड एकदम परफेक्टली बिठाना है। फ्रेंड जो हमें जो स्प्रिंग दिखाई दे रहा है वो स्प्रिंग को हम दोनों को जो है कि फ्रेंड पीछे भी सेंटर में रखना है इस स्प्रिंग को, क्योंकि इसी के कारण से फ्रेंड जो है कि हमारा जो कि कार्बन जो सॉफ्ट लेफ्ट राइट जो है कि फ्रेंड घूमता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है कि आपको इसे परफेक्ट शॉप में इसको बिठा देना है। फ्रेंड बिठाने के बाद फ्रेंड से जो है कि हम पेचकस के साथ वापस जो स्प्रिंग हमने निकाले थे वही हमें कार्बन के पीछे जो है चोट पर उस पर रखना है, क्योंकि ये इस पर दबाव बना रखता है। फ्रेंड जब तक ये दबाव बना के नहीं रखेंगे कार्बन पर, तब तक हमारे कार्बन जो है कि हमारे आर्मेचर से रगड़ा नहीं खाएंगे। जब तक वो रगड़ा नहीं खाएंगे जिसमें जो है मैग्नेट करंट जो है कि वो उत्पन्न नहीं होता है। फ्रेंड तो इसकी वजह से है कि हमारा स्प्रिंग का जो टच होना उसमें भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, ताकि उस पर दबाव बना रहे और हमारा कार्बन ब्रश जो पीछे के साइड ना है। उसके बाद में फ्रेंड जो है कि हमें स्विच को वापस उसी जगह पर असेंबल करना है। करने के बाद फ्रेंड हमको जो वायर हमने जो निकाले थे वो वायर हमको वापस उसी जगह स्टोन भी कर देना है फ्रेंड उसी प्रकार से। तो आप वायर इसमें लेफ्ट राइट कहीं भी लगा सकते हैं, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से लगाएं। उसके बाद फ्रेंड जो है कि उसका पीछे का जो ढांचा है उसको एकदम परफेक्टली जो टाइट करने वाले फुल टाइट आपको जो है कि फ्रेंड उसे करना है, बिल्कुल भी इसे लूज़ नहीं छोड़ना है। फ्रेंड इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारी जो मशीन है काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। फ्रेंड मैं इसका जो है कि मोड साइड चेंज कर देता हूँ जिसके घूमने के लगे। फ्रेंड तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मशीन है एकदम परफेक्ट घूम रही है। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके फ्रेंड।